नमस्कार दोस्तों, टेक्निकलिटी बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे फिर से हम आज बात करने जा रहे हैं रॉनेट एक्सप्रेस को लेके कि रॉनेट एक्सप्रेस में न्यू अपडेट आया है। न्यू अपडेट भी आया दोस्तों, तो ये जो है कि 90% लोगों का डिमांड था अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, तो जो पहली कंपनी यहाँ पे उभर के आई है वो आपके लिए लेके आई है अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अकाउंट ओपनिंग लाइव हो चुका है, तो चलिए हम उसका प्रोसेस यहाँ पे जानेंगे किस तरह से अकाउंट ओपनिंग करना है, कौन सा बैंक का अकाउंट ओपन होगा, ये सारी चीज जानने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्निकलिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको किस बैंक का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे जो है कि आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि आखिर रियल है या फेक वीडियो है। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल पे कभी फेक वीडियो नहीं आता है, जो भी होता है वो रियल वीडियो आता है। दोस्तों आजकल आप भी देख रहे होंगे कि हम रॉनेट एक्सप्रेस के पीछे थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा सलाह दे रहे हैं। जिनका भी कॉल आता होगा वो देखते होंगे कि मैं उनको रेफर करता हूं कि आप एक रॉनेट एक्सप्रेस के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों यहां पे जो है कि रॉनेट एक्सप्रेस ने कुछ ऐसी सर्विस लेके आ रही है जिसकी वजह से जो है कि हमें भी जो है कि इस तरफ ज्यादा रुझाव हो गया है। दोस्तों हमारा काम है जहां पे अच्छा सर्विस मिलेगा, जहां पे ज्यादा सर्विस मिलेगा वहां पे जो है कि हम अपने रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वहां से काम करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल लॉगिन है। दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड एनुअल अलॉटमेंट नेक्स्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, पहले आप जान लीजिए कि क्या जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक अलॉटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉनेट एक्सप्रेस ने बताया है कि नेक्स्ट अलॉटमेंट नेक्स्ट वीक ट्रू जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों किस बैंक का मिलेगा ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे इजी क्यूब प्रोसेस, दोस्तों यहाँ पे जो है कि प्रोसेस सिंपल होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि ओटीपी से होगा या बायोमेट्रिक से होगा, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे नो मंथली एनुअल चार्जेस, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होगा। नो नीड टू मिनिमम अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे मिनिमम अकाउंट बैलेंस का भी यहाँ पे लफड़ा नहीं रहेगा कि आपको जो है कि 10,000 मेंशन करके चलना है, 5,000 करके चलना है, 100 रुपया करके चलना है, कोई भी कंडीशन नहीं है। ऑप्शन ऑफ डेबिट कार्ड, आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड को देखने को मिल जाएगा कि आप डेबिट कार्ड यहाँ से बाई क्या खरीदना थोड़ी ना है, हमारे को डेबिट कार्ड आपको अकाउंट ओपनिंग के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ कैश डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कि कैश डिपॉजिट का, यानी आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो अभी तक आपको डीएमटी का सुविधा मिलते आया था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कि कैश डिपॉजिट को सुविधा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक और हमारा जो है कि यहाँ पे न्यू अपडेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे न्यू विड्रोवल कैश वाइज यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट ले सकते हैं, अर्न अप टू पर 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नो नीड टू बायोमेट्रिक डिवाइस, सेफ क्यूब ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपका फास्ट जो है कि ट्रांजेक्शन होगा, विड्रोवल आज 10,000 रुपया पर डे। तो एक यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे 10,000 रुपया का विड्रोवल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे ज्यादा मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हमारे को यहाँ पे किस बैंक का अकाउंट ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि किस बैंक का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग आने वाला है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे पहला बैंक जो निकल के आता है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, एनएसडीएल पेमेंट बैंक जो है कि अभी नया लॉन्च हुआ है, और इसका जो है कि दोस्तों अभी मार्केट में डिमांड भी अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। एनएसडीएल यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे जो है कि एनएसडीएल एईपीएस भी हमारे पोर्टल पे लाइव हो गया है, रॉनेट एक्सप्रेस के पोर्टल पे। तो हमारे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो आने वाला है एनएसडीएल का आने वाला है, और अगर एनएसडीएल नहीं आता है तो दूसरे में जो है दोस्तों इंडसइंड बैंक का यहाँ पे आ सकता है, या 2 बैंक में से 1 बैंक का यहाँ पे आ सकता है। इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कि उज्जीवन बैंक का डिजिटल अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, जिसमें आधार से अगर आपका आधार में अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा तो आप यहाँ पे उज्जीवन बैंक का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर एनएसडीएल या जो है कि आपको ये इंडसइंड बैंक का अगर अकाउंट ओपनिंग आता है, तो दोस्तों इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको जो है कि थंब इम्प्रेशन की माध्यम से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि यहाँ पे अगर बोला जाए तो कि मोबाइल में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है तभी अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। जितना अभी तक मेरे को जानकारी दोस्तों, आपको हम 100% नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको 99% हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि जब भी अकाउंट ओपनिंग आएगा तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आएगा। और ऐसा है दोस्तों कि अगर
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की बात किया जाए तो डिजिटल की आपको सभी को पता होगा कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग सभी जगह पे चलता है। आप जो है कि कहीं भी जिस भी बैंक का अगर अकाउंट ओपनिंग करना है तो उसके पोर्टल पे जाइएगा, आप वहां से थंब इम्प्रेशन मतलब ओटीपी के माध्यम से आप वहां पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से ऐसा लाने से कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा ला रहे हैं कि हम ओटीपी के माध्यम से अगर अकाउंट ओपनिंग करवाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है, रॉनेट एक्सप्रेस के जितने भी हमारे सीनियर अधिकारी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी अगर अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन लाया जाए तो उसमें जो है कि आपको थंब इम्प्रेशन के माध्यम से लाया जाए, ऐसा नहीं कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, क्योंकि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग सभी के पास, सभी को पता है कि डिजिटल अकाउंट किसी भी बैंक का हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप भी किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आपके पास जो है कि रॉनेट एक्सप्रेस का आईडी होना चाहिए, अगर रॉनेट एक्सप्रेस का आईडी आपके पास नहीं है तो हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत सस्ता भी आईडी है, उसके बाद अगर आप बाद में लेते हैं तो कहीं महंगा देखने को ना मिले। तो दोस्तों इसलिए जो है कि रॉनेट एक्सप्रेस का आप एक आईडी लेकर रख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो काम करिए, नहीं अच्छा लगे तो फिलहाल आप रखे रहिए। और इसके बाद हम बात करने वाले थे दोस्तों आईआरसीटीसी के बारे में, लेकिन वीडियो हमारा लंबा हो रहा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आईआरसीटीसी का क्या हमें इसमें बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।